नमस्कार किसान भाई, राम राम। जो आज की वीडियो होने वाली है, आज की वीडियो में दिखाएंगे हम आपको जो चेरी के अंदर कीड़ा आता है वो कौन सा कीड़ा होगा, और आज हम इसकी स्प्रे भी कर रहे हैं। देख लीजिए आप, हमारी चेरी के अंदर एक कीड़ा है ये इस टाइप का, और ये हमने चेरी बो रखी थी जो ट्रेंच से गन्ना बोया जाता है 5 फीट पर, उसके अंदर ये मोड़ वाली चेरी थी। और मैं दिखाऊंगा आपको चेरी भी, ये देख लीजिए आप, ये हमारी चेरी है, ये देखिए। अब मैं बताऊं, बहुत से भाई क्या गलती करते हैं, ट्रेंच भी दिखे गन्ने के अंदर चेरी या कुछ भी बो देते हैं ना, गेहूं चेरी या जमी कुछ भी बोते हैं, तो उसके अंदर आपको एक काम करना चाहिए, पहले तो उसमें कटर लगना चाहिए, और कटर लगने के बाद जब उसमें आप कुछ बो जो नोर होते हैं, नोर के ऊपर ना बखेरिए, आपको बिल्कुल लाइन में ही बखेरनी चाहिए जो भी चीज़ बखेरोगे आप। अब फिर आपकी ना जो फूट होगी वो भी बहुत अच्छी होगी, देख लीजिए आप इधर, इसमें फूल कोए हैं, तो उस वजह से आपके गन्ने की फूट पूरी नहीं हो पाती। और बहुत से किसान भाई फिर उसको जब चेरी कट जाती है या जमी होती है उसके बाद उसको बा देते हैं गन्ने को, उससे क्या होगा आपके गन्ने में नुकसान होगा, इस तरह से ना बोइए आप, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। देख लीजिए जो हमारा गन्ना है उसमें फूल कोवे हैं, आप देख लीजिए, कहीं भी दिखाऊँ मैं आपको, ये देखिए आप। आज हम इसमें स्प्रे कर रहे हैं जो आपकी को बताया मैंने पहले ही, हमारे चेरी के अंदर जो बीमारी आई हुई थी उसकी, और इस साथ ही साथ हम अपने गन्ने में भी हो रही है, इससे देख लीजिए गन्ने के अंदर आया हुआ है कीड़ा, ये देखिए इस तरह का, और ये चेरी है हमारी मोड़ वाली, ये दो काट देती है, दो या तीन, ये देखिए आप, इसको हम काट रहे हैं 4 या 5 छोड़कर, अगर ज़्यादा नीचे से कटेगी तो यह कम मोड़ेगी, ये देख लीजिए आप, हमने शुरू में काट ली थी और अब देख कितनी बड़ी हो गई, ये देखिए उस साइड हमारी फूल खड़ी है अभी अभी कटी नहीं हुआ, ये देखिए आप, मैं आपको इसके अंदर बताऊं हम क्या दवा डाल रहे हैं, इसके अंदर है क्लोरो और साइपर, जो साइपर काम करती है, साइपर तो करती है टिड्डिया वगैरह जैसे कि तितली हो गई या कुछ और हो गई, और जो क्लोरो है उसका दूसरा काम है अपना, हम दोनों को मिलाकर स्प्रे कर रहे हैं, इससे जो हमारे खेत के अंदर बीमारी है वो सब सही हो जाएगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, इतना मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए।